Hi friends, myself Jay Chawla, I am a chartered accountant और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की और ओल्ड सिलेबस के टॉपिक की नहीं बल्कि सी ए फाइनल एफ आर के न्यू सिलेबस के टॉपिक की। वो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट्स। अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट्स ये टॉपिक न्यू सिलेबस एफ आर में इनकॉर्पोरेट किया गया है। जब हम पहली बार इस टॉपिक को पढ़ते हैं कार्बन क्रेडिट्स, लगता है यार ये क्या है कार्बन क्रेडिट्स, भाई ये कौन सी अकाउंटिंग आ गई जो हमने आज तक नहीं सुनी। तो गाइज बेसिकली जो मैं आज ये लेक्चर बना रहा हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बना रहा हूं और यू मान सकते हो कि मैं इसके बारे में आज पूरा चर्चा करूंगा, एक ओवरव्यू बताऊंगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर हो जाएगा आज के लेक्चर से कार्बन क्रेडिट से। लगभग एक सवा घंटे में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आप उसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट्स। सो थोड़ी देर के लिए मैं अकाउंटिंग की बात नहीं करने वाला हूं, थोड़ी देर के लिए मैं अकाउंटिंग पे तो बात ही नहीं करने वाला हूं। हम तो पहले ये समझने वाले हैं कि यार ये कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है, ये कौन सी दिशा में हमें ले जाना चाह रहे हैं। सो हम अभी अकाउंटिंग की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं कार्बन की। कार्बन, कार्बन क्रेडिट्स ये क्या होता है, कार्बन क्या है, कार्बन क्रेडिट्स क्या है, वगैरह वगैरह। सो गाइस आपने सबने ग्रीन हाउस गैसेस करके बचपन में पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह ये सब आपने पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैसेस आती हैं, ऐसी कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं, तो सबसे पहले माइंड में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। बात समझ में आ रही कि नहीं? और इसके अलावा और भी कई सारे गैसेस होते हैं। कार्बन, अगर मैं कार्बन की बात करूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो वैसे ही कार्बन, कार्बन अलग अलग के, अलग अलग प्रकार के कार्बन होते हैं। जैसे कार्बन में मीथेन भी आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो गाइस ये सारी गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस माना कहा जाता है। बचपन से हम इनको ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं, हर व्यक्ति इसको ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से पहचानता है, ग्रीन हाउस गैसेस। अब आपने एक और टर्म सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो सुना ही होगा ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, चलिए समझते हैं। सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, बट फिर भी मैं अपना टॉपिक पे आना चाह रहा हूं तो इसलिए क्या मुझे भी बोलने का अधिकार होना चाहिए, तो चलिए बात करते हैं। हमें सबको पता है ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, दैट मींस O2 की जरूरत होती है, और वो O2 इनहेल करता है, O2 लेता है, और वो क्या एमिट करता है, एमिट मतलब क्या छोड़ता है, कौन सी गैस छोड़ता है, वो छोड़ता है CO2। आपको सबको पता है, बचपन में हमने सबने पढ़ा हुआ है। सो गाइस हमारा जो मेजर फोकस है आज के टॉपिक का, वो कौन सी गैसेस पर फोकस है, कार्बन डाइऑक्साइड पर और अलग अलग कार्बन की अलग अलग गैसेस पर, कार्बन मोनोऑक्साइड और वगैरह वगैरह, मीथेन वगैरह, इन सब पे। गाइस ह्यूमन बीइंग, आपको सबको पता है हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एमिट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये जो ट्रीज होते हैं ये ट्रीज इनहेल करते हैं, ट्रीज इनहेल होते हैं, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि अगर पेड़ हैं, ट्रीज हैं, तो वो हमें बचाते हैं क्योंकि वो हमारा गैस को, हम जो गैस को एमिट करते हैं वो गैस को इनहेल करते हैं ट्रीज, ताकि इससे इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहता है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन मिलता है ट्रीज में से, और ट्रीज को क्या चाहिए, ट्रीज को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आपने सुना होगा जैसे ये मीथेन करके है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कई सारे फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जब होता है या फिर जब स्मोक निकलता है, तो वो जो स्मोक निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, वो सब कार्बन के फॉर्म में निकलता है। ये जो फैक्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है
उससे जो स्मोक निकलता है, इतना धुआं वगैरह निकलता है, या फिर गाड़ियों से जो स्मोक निकलता है, उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी कार्बन बोलते हैं। बेसिकली कार्बन कई जगह से एमिट होता है, कार्बन कई जगह से एमिट होता है, कार्बन को एमिट एमिशन के कई जगह है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, मतलब छोड़ता है। इसके अलावा कमर्शियल कमर्शियल फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज और तीसरा व्हीकल्स। अब ये क्या एमिट होता है यहां से? कार्बन। कार्बन एमिट होने के कई सारे अलग अलग जो जगह हैं, कई कई सारे अलग अलग जो दरवाजे हैं, वो उनमें से मेजर जगह है ह्यूमन बींग, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स। यहां से क्या होता है? यहां से कार्बन निकलता है, कार्बन छोड़ जाता है। और इस कार्बन को कौन इनहेल करता है? ट्रीज। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रीज की कटिंग हो रही है, डिफॉरेस्टाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्ट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब, ट्रीज अब काटे जाएंगे और रोड्स डेवलपमेंट होते जाएंगे, डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंग खड़ी करते जाएंगे, हम जंगल को कॉलोनीज में बदल देंगे, तो ट्रीज खत्म हो जाएंगे। और अगर ट्रीज खत्म होते जाएंगे तो डेफिनेटली इन सारी गैसेस को जिनको हम एमिट करते हैं, इनको इनहेल कौन करेगा यार? इनको इनहेल कौन करेगा? तो ट्रीज कटिंग हो रही है वगैरह वगैरह, तो इनके कारण क्या हो रहा है? पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सर ठीक है, तो सर इसका रिलेशन अकाउंटिंग से क्या है? आते हैं, हम अकाउंटिंग पे आते हैं। आपको जब मैं अकाउंटिंग पे लाऊंगा ना, तो वो बहुत ही इजी पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? पर वो अकाउंटिंग तक पहुंचाने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा काम है कि मैं आपको अकाउंटिंग तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी बातें क्लियर करूं। तो बेटा क्या हुआ कि ये ग्लोबल वार्मिंग हुई, ट्रीज कटिंग हुई, कार्बन कई ज्यादा एमिट होता गया, जितना बैलेंस होना चाहिए ऑक्सीजन का और कार्बन का, उससे ज्यादा कार्बन बढ़ गया। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन का होना इन्वायरमेंट में हमारे लिए नुकसानदायक, पूरे अर्थ के लिए नुकसानदायक। तो अब इस कार्बन को कैसे रोका जाए? मेन था टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन, टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन। एमिशन मतलब जो निकलता है, कार्बन निकलता है फैक्ट्रीज में से, जो स्मोक निकलता है व्हीकल्स में से, जो स्मोक निकलता है उसके एमिशन को रिड्यूस करना। खत्म नहीं कर सकते पर रिड्यूस करना, कुछ हद तक रिड्यूस करना। अब इसका जो एमिशन होता है, अब इस कार्बन का जो एमिशन होता है वो कहां से होता है? ज्यादातर एमिशन, मोर एमिशन कहां से होता है? डेवलप्ड नेशंस से, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलप्ड नेशंस इस कार्बन का ज्यादा एमिशन करते हैं। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, या जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो कार्बन का एमिशन करते तो हैं पर कम करते हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। डेवलप्ड नेशंस हायर एमिशन करते हैं, हायर एमिशन, हायर एमिशन, और ये लोअर एमिशन करते हैं। किस चीज का एमिशन? मैं वापस बोलूंगा, कार्बन का एमिशन। कार्बन का एमिशन डेवलप्ड नेशन ज्यादा करते हैं, ऑब्वियसली वो डेवलप्ड नेशन है, जैसे अमेरिका, यूएस, यूरोप, ये डेवलप्ड नेशंस जो हैं ये कार्बन का एमिशन ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलप्ड इसलिए हुई क्योंकि बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, तो ज्यादा जहां पर डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा कार्बन का एमिशन होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? और जहां पर डेवलपमेंट कम होगा वहां पर कार्बन का एमिशन भी कम होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सो डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो कार्बन का एमिशन ज्यादा करती हैं। हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री राइट नाउ, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इसीलिए इंडिया यहां पर आता है और इंडिया कार्बन का एमिशन करता तो है बट ज्यादा ना करके वो कार्बन का एमिशन कम करता है, मतलब एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस इंडिया से एमिशन होता है बट ज्यादा नहीं होता है जितना डेवलप्ड नेशंस में से एमिशन होता है कार्बन का। अब क्या हुआ? अब इसको रोकना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव ये है टू रिड्यूस, टू रिड्यूस व्हाट? टू रिड्यूस द एमिशन, टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन। कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करना एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि भाई अब इस एमिशन को कैसे घटाया जाए।
सो गाइस 1992 में, 1992 में यूएनएफसीसीसी का गठन हुआ, यूएनएफसीसीसी बना। ये यूएनएफसीसी क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, मुझे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना था ये लेक्चर से पहले, जो कि मैं करना भूल गया। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सो गाइस ये टॉपिक के लिए आप गाइस प्लीज अपने नोट्स, जो मॉड्यूल का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 19, आप अपने मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 19 अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट्स ओपन कर सकते हो। मैं उसी में से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ नोट्स नहीं दिए हुए हैं, मैंने कुछ नोट्स अभी फिलहाल नहीं बनाए हुए हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं उसी में से पढ़ाऊंगा। सो आप अपने पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल अपने पास रखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना? चलिए, तो 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज बना, मतलब एक एक कमिटी बनी। और उस कमिटी ने क्या किया, उस कमिटी में यही रखा गया कि भाई कैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, और कार्बन के एमिशन को रिड्यूस कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, जो ये कमिटी बनी, उन्होंने KYOTO, क्यूटो प्रोटोकॉल बनाया गया। क्यूटो प्रोटोकॉल, ये KYOTO प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्यूटो प्रोटोकॉल बनाया। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स, कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए। और उस क्यूटो प्रोटोकॉल में बहुत सारे कंट्रीज को सिग्नेटरी बनाया गया। सिग्नेटरी मतलब उस क्यूटो प्रोटोकॉल को बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया कि यस, ये प्रोटोकॉल हम फुल हम इसको फॉलो करेंगे, इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ताकि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उस पे कंट्रोल किया जा सके। बात समझ में आ रही कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उस पे कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या बनाया, एक क्यूटो प्रोटोकॉल बनाया, एक कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बनाए, क्यूटो प्रोटोकॉल। उस क्यूटो प्रोटोकॉल में क्या किया, दो एनेक्जर बनाए गए। क्यूटो प्रोटोकॉल में दो एनेक्जर बनाए गए। अब जो फालतू फालतू बातें हैं मैं वो हटाता जा रहा हूं। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमने बात कर ली। क्यूटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ, दो प्रकार के एनेक्जर बने, एनेक्जर वन, और या फिर उसको हम बोलेंगे कि एक एनेक्जर बना, दो प्रकार के एनेक्जर नहीं बने, एक ही एनेक्जर बना। उस एनेक्जर के अकॉर्डिंग, उस एनेक्जर वन में डेवलप्ड कंट्रीज का नाम था, उस एनेक्जर वन में डेवलप्ड कंट्रीज का नाम था। और दूसरी जो चीज मैं बोल रहा था उसको बोला जाएगा नॉन एनेक्जर वन कंट्रीज, नॉन एनेक्जर वन कंट्रीज। नॉन एनेक्जर वन कंट्रीज मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो कंट्रीज जो एनेक्जर वन में नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, ये कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो किसी भी हाल में कार्बन का एमिशन कम करेंगी, रिडक्शन करेंगी, कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करेंगी। अब वो कार्बन के एमिशन को रिड्यूस कैसे करेंगी, किस तरीके से करेंगी, डेवलप्ड कंट्रीज को सिग्नेटरी बनाया गया, मतलब उस प्रोटोकॉल पे साइन करवाया गया कि आप फॉलो करोगे इस प्रोटोकॉल को, आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे। ऑल्दो जो नॉन एनेक्जर वन कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, वो इस क्यूटो प्रोटोकॉल में सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि वो नॉन एनेक्जर वन में आती है। पर अगर वो भी कार्बन के एमिशन को रिड्यूस कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी कार्बन के एमिशन को घटा रही हैं, रिड्यूस कर रही है, एमिशन को रिड्यूस कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बट ये एनेक्जर वन में डेवलप्ड कंट्रीज का नाम आया, डेवलप्ड कंट्रीज का नाम आया। और इसमें एक बेसलाइन तैयार किया गया, बेसलाइन, बेसलाइन तैयार किया गया मतलब कि आप कितना कार्बन का एमिशन कर सकते हो मैक्सिमम, उसको बोलते हैं कैप। एक कैप दे दिया गया कि आप पर्टिकुलर लेवल से ऊपर कार्बन का एमिशन नहीं कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कार्बन का एमिशन करोगे तो उस पे पेनल्टीज वगैरह और कई सारे नॉर्म्स वगैरह बनाए गए, ठीक है? सो
जो एक लेवल डिसाइड किया गया वो हर कंट्री, हर डेवलप्ड कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किया गया। जैसे मान लीजिए अमेरिका और इंडिया, अब इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया के लिए और अमेरिका के लिए दोनों का कैप डिफरेंट होगा, दोनों का कैप डिफरेंट होगा। कैप मतलब एक एक लिमिट कि कितना कार्बन का एमिशन किया जा सकता है, कितना कार्बन का एमिशन किया जा सकता है। अमेरिका का कैप अलग होगा, मान लीजिए अमेरिका का कैप होगा से 700 लाख टन कार्बन, और इंडिया के लिए हो सकता है यही पर 350 लाख टन कार्बन। अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग एक कैप बनाया गया कि आप उस कैप कैप के ऊपर एमिशन नहीं कर सकते हो, बात समझिएगा, ठीक है ना। अब आप उस कैप कैप के ऊपर, जो कैप बनाया गया उसके ऊपर आप एमिशन नहीं कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं। अब ये तो अमेरिका इसमें सिग्नेटरी बन गया, तो अमेरिका की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी एंटिटीज, जो उसकी कमर्शियल एंटिटीज हैं, भाई अमेरिका खुद थोड़ी करेगा, अमेरिका के रहने वाले लोग करेंगे ना एमिशन, तो अमेरिका में जो भी उसकी एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, अमेरिका ने उसको वो जो कैप है वो उन एंटिटीज के ऊपर अप्लाई हुआ फाइनली, कि यस अमेरिका से जितना भी एक कैप होगा, एमिशन होगा, उसको नापा जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि अमेरिका से कितना का कार्बन एमिशन हो रहा है। वैसे ही हर डेवलप्ड कंट्री से कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। ओके, सो क्यूटो प्रोटोकॉल, फिर से बात करते हैं। क्यूटो प्रोटोकॉल एक तरीके से मान लो एग्रीमेंट जिसमें कई सारी बातें बताई गई। उसके सिग्नेटरीज में कौन, एनेक्सर वन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना। उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन, कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करना, जितना भी कार्बन जनरेट होता है, एमिशन मतलब जनरेट होना, कार्बन का जितना भी जनरेशन हो रहा है उसको घटाना, ठीक है ना। घटाने के लिए क्या हुआ, घटाने के लिए क्यूटो प्रोटोकॉल बनाया गया। और क्यूटो प्रोटोकॉल जब बनाया गया तो उसमें घटाने के लिए कई सारे तरीके निकाले गए कि कैसे कैसे घटाया जा सकता है, किस तरीके से कार्बन के एमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है। उसके लिए क्यूटो प्रोटोकॉल में एक मैकेनिज्म मैकेनिज्म तैयार किया गया। उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म बनाया गया कि कैसे कार्बन के एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा, किस तरीके से कार्बन के एमिशन को रिड्यूस किया जाए। अब आप सोचो कि कार्बन के एमिशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। या तो अमेरिका अपनी एंटिटीज को बोल दे कि भाई तुम तो टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करो कि ताकि कार्बन का एमिशन कम से कम हो। जैसे आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज जो होती हैं वो पहले पुराने जमाने में या आज भी कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी, जिससे कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता था। बट अब क्या आ गया, अब विंड एनर्जी आ गया, और विंड एनर्जी आने से टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी आ गया, उसके आने से क्या हुआ, उसके आने से कार्बन का एमिशन बहुत ही कम होता है। तो मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूं कि आपको अगर ये सोचना है कि कार्बन का एमिशन कौन से इंडस्ट्रीज में होता होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर जो है, पावर इंडस्ट्रीज जो है, वहां पर पहले कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि वहां पर पहले टेक्नोलॉजी पुरानी होती थी, कोयले से बनाया जाता था, कोल से बनाया जाता था, अब विंड एनर्जी से बनाया जाता है। तो अमेरिका भी और हर डेवलप्ड कंट्री अपने एंटिटी सारी कंपनीज को बोले कि भाई आप नई टेक्नोलॉजी जनरेट करो, नया कुछ टेक्नोलॉजी जनरेट करो, ताकि जिससे कार्बन का एमिशन रिड्यूस हो। सीमेंट इंडस्ट्री में भी कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, आज भी कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता है सीमेंट इंडस्ट्री में। सो गाइस, बेसिकली एक कंट्री में जो कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं कार्बन का एमिशन कर रही हैं। आप ह्यूमन बीइंग को नहीं रोक सकते हो कि भाई आप कार्बन डाइऑक्साइड मत निकालो, ह्यूमन बीइंग को नहीं रोक सकते, बट हम कमर्शियल एक्टिविटीज पे रोक लगा सकते हैं, एक हद तक उसके ऊपर एक कैप लगा सकते हैं कि आप इससे ऊपर एमिशन कार्बन का नहीं करोगे। आई बात समझ में कि नहीं, नहीं तो सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्लियर है कि नहीं। तो अब
किस तरीके से इसको हमें कंटिन्यू करना है वो देखो। हुआ ये, मान लीजिए दो एंटिटीज हैं, एक ए और एक बी। दोनों एंटिटीज दो एंटिटीज हैं ए और बी, दोनों एंट्रीज की फैक्ट्रीज हैं, और फैक्ट्री से क्या एमिट होता है, क्या एमिट होता है, कार्बन। ये कार्बन है। फैक्ट्री बी, बी लिमिटेड, जैसे ये ए लिमिटेड वैसे ही बी लिमिटेड। बी लिमिटेड, अच्छा ए लिमिटेड प्रोडक्ट एक्स बनाता है, वैसे ही बी लिमिटेड भी मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स बनाता है। अब एक्स बनाने के लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसकी जो फैक्ट्री है वो कार्बन एमिट करती है। वो कार्बन एमिट करती है, ये एमिशन हो रहा है कार्बन का, ये कार्बन निकल रहा है, और ये भी एमिशन हो रहा है कार्बन का। ठीक है, अब दोनों फैक्ट्रीज कार्बन का एमिशन कर रही हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक चीज बोल रहा था, कैप, एक कॉन्सेप्ट है कैप एंड ट्रेड, कैप एंड ट्रेड। कैप, सबसे पहले एक कैप लगाया गया, एक कैप लगाया गया। कैप मतलब एक लिमिट बनाई गई कि भाई आप इस लेवल तक, इस लेवल तक आप कार्बन को एमिट कर सकते हो, आप इस लेवल तक कार्बन को एमिट कर सकते हो। देखो मैं डायग्राम के जरिए बता रहा हूं ताकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आए। आप इस पर्टिकुलर लेवल तक कार्बन का एमिशन कर सकते हो, तो आप ध्यान से ए लिमिटेड को ध्यान दो। ए लिमिटेड कार्बन का एमिशन कर तो रहा है पर उस लिमिट के नीचे ही कर रहा है, उस लिमिट के नीचे कर रहा है। जबकि बी लिमिटेड को ध्यान से देखो, बी लिमिटेड कार्बन का एमिशन कर रहा है और वो एमिशन एक लिमिट से ज्यादा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बी लिमिटेड ज्यादा बड़ी कंपनी हो सकती है, ज्यादा प्रोडक्शन उसका हो सकता है। बेचारा बी लिमिटेड भी मजबूर है, बी लिमिटेड क्या करे, बी लिमिटेड को एमिशन करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए? क्यूटो प्रोटोकॉल में तो बताया गया कि भाई एक कैप लगा दिया जाएगा, उससे ऊपर आप कार्बन का एमिशन नहीं कर सकते हो। पर क्योंकि अगर आपको जरूरत है, अगर आपको जरूरत है कि आपको एमिशन ज्यादा करना है, आप एमिशन को रिड्यूस नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? ए लिमिटेड को कहा गया कि आप ट्रेडिंग करो, आप ट्रेडिंग करो, हमारी ना अकाउंटिंग आने वाली है। ए लिमिटेड को कहा गया कि आप ट्रेडिंग करो, हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। इंसेंटिव, देखो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप बहुत ही अच्छी कंपनी हो, आप कार्बन का एमिशन बहुत ही कम कर रहे हो, जबकि जो कैप डिसाइडेड है वो ज्यादा है और आप कम एमिशन कर रहे हो। तो जितना भी आप कम एमिशन कर रहे हो, जितना भी आप कम एमिशन कर रहे हो वो आप बचा रहे हो, वो जो है, वो जो एमिशन आप कम कर रहे हो वो आप बचा रहे हो। और उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है भाई, उसको कहा जाता है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। मतलब सर देखो, मैंने इस लेवल तक कार्बन का एमिशन किया, बट जबकि मेरा जो कैप है मेरे से ऊपर है, मतलब मैं इधर इधर तक एमिशन कर सकता था, मतलब मैंने एमिशन को कम किया, मैंने कम एमिशन किया, लोअर एमिशन किया। तो जितना भी मैंने बचाया, जितना भी मैंने बचाया, दैट इज माई रिडक्शन, दैट इज माई रिडक्शन। और ये जो मैं बचा रहा हूं, ये मैं सेल आउट कर रहा हूं, मतलब इसके लिए मुझे इंसेंटिव मिलेगा, इसके लिए मुझे इंसेंटिव मिलेगा, मैं ये सेल कर सकता हूं, मैं इसकी ट्रेडिंग कर सकता हूं। ये एमिशन करके, मैंने ये एमिशन का रिडक्शन करके, शायद मेरे पास ये जो ए लिमिटेड है इसके पास बेटर टेक्नोलॉजी होगी, बेटर टेक्नोलॉजी, और इसके पास पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, ओल्ड टेक्नोलॉजी, और ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसी कारण मैं कार्बन के एमिशन को रोक नहीं पा रहा हूं, बहुत ज्यादा एमिशन हो रहा है। तो मैं क्या करूं? ये बोला गया कि जितना भी आप एमिशन को रोक पा रहे हो, रिड्यूस कर पा रहे हो,
वो आपके लिए एक तरीके से कार्बन का क्रेडिट बन गया, वो आपके लिए क्रेडिट है, हम आपको उतने कार्बन का क्रेडिट दे देंगे, आप उस क्रेडिट को ट्रेड कर सकते हो, आप उस क्रेडिट को बेच सकते हो किसी दूसरी कंपनी को जिसको ज्यादा जरूरत है उस कार्बन की, जिस कंपनी को ज्यादा जरूरत है उस कार्बन की, आप उसको वो बेच सकते हो। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं भाई? मैं कार्बन का एमिशन कर रहा हूं और दूसरी कंपनी भी कार्बन का एमिशन कर रही है, मैं एमिशन को रिड्यूस कर रहा हूं, मतलब मैं एमिशन तो कर रहा हूं पर जितना एमिशन होना चाहिए, एक कैप बनाया गया, जितना एमिशन होना चाहिए मैं उससे कम ही एमिशन कर रहा हूं, तो मैं कुछ बचा रहा हूं, मैं रिडक्शन कर रहा हूं, उस रिडक्शन को बचा रहा हूं, तो इसीलिए मुझे क्या दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है, मुझे इंसेंटिव दिया जा रहा है और मुझे अलाउ किया जा रहा है कि मैं चाहूं तो उस रिडक्शन को ट्रेड कर सकता हूं, किसी दूसरी कंपनी को ये बेच सकता हूं जिस कंपनी को ज्यादा जरूरत पड़ रही है उस कार्बन की, मैं उसको बेच सकता हूं। तो बेसिकली ये बन जाएगा सेलर और ये बन जाएगा बायर, ये वो कार्बन खरीदेगा, खरीदेगा मतलब एक्चुअली कार्बन नहीं खरीदेगा, ये वो जितना इसको अलाउ नहीं है उससे ऊपर ये कर रहा है, तो ये उस वो क्रेडिट को परचेज करेगा और ये सेल करेगा उस क्रेडिट को, सेलर ऑफ क्रेडिट, सेलर ऑफ क्रेडिट, बायर ऑफ क्रेडिट। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैं फिर से बता दूं, कैप मतलब क्या? कैप मतलब ये कह सकते हैं परमिसिबल अमाउंट ऑफ एमिशन, अमाउंट मतलब क्वांटिटी वाइज भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन एज डिसाइडेड बाय प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब कैप मतलब आप कितना एमिशन कर सकते हो। तो ट्रेडिंग क्या है? कैप तो ठीक है, समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेड मींस व्हाट? ट्रेड मींस कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग। सर व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग? कार्बन ट्रेडिंग मतलब जो व्यक्ति उस कैप के अनुसार चल रहा है और वो नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अगर वो कार्बन के एमिशन को बचा रहा है, तो उस बचे हुए पार्ट को कहा जाएगा कार्बन क्रेडिट, उसको क्या कहा जाएगा? कार्बन क्रेडिट। मतलब ए लिमिटेड अगर अपने कैप से नीचे एमिशन कर रहा है तो ए लिमिटेड को इंसेंटिव दिया जाएगा, ए लिमिटेड को बोला जाएगा कि आप कार्बन बचा रहे हो तो हमने आपको क्रेडिट्स दिए, हमने आपको क्रेडिट्स दिए कुछ। सर कितने क्रेडिट? बेटा कार्बन क्रेडिट यहां पर मतलब ये होता है, वन क्रेडिट इज इक्वल टू वन टन ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के एक टन को एक क्रेडिट के बराबर माना जाता है। मान लीजिए ये जो वन क्रेडिट है वो उसका मेजरमेंट है, कि अगर आपने मान लीजिए 50 टन कार्बन का एमिशन रोका, रिड्यूस किया, तो आपको 50 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, एक तरीके से आपको 50 पॉइंट मिलेंगे। तो कैप मतलब क्या हुआ कि परमिसेबल मैं कितना कार्बन का एमिशन कर सकता हूं, अगर मैं उससे कम कर रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिल रहा है, मुझे मतलब ए को क्रेडिट मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? अब ए को जो ये क्रेडिट मिल रहा है ना, ये क्रेडिट उस कंपनी को या उस देश को बेच सकता है, उस देश को बेच सकता है जहां कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा है, और जिसको जो वो कैप के ऊपर जा रहा है, जिसको परमिसिबल अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन बताया गया कि आप इतना कर सकते हो, पर उसको जरूरत और ज्यादा है, कहीं ना कहीं उसका कार्बन एमिशन और ज्यादा हो सकता है, तो वो कंट्री क्या करेगी? उस कंट्री को बोला गया है, उस कंपनी को बोला गया है कि ठीक है, पहली बात तो हमने कैप लगा दिया, पर अगर आपको उससे ज्यादा एमिशन करना है तो हम आपको ऐसे अलाउ नहीं करने वाले, ये जो अगर आपको ज्यादा एमिशन करना है उसके लिए आप किसी से क्रेडिट परचेज करो, किसी से वो क्रेडिट परचेज करो, अगर आपके पास वो क्रेडिट आ जाएंगे तो हम आपको अलाउ करेंगे कि उस कैप के ऊपर आप कार्बन को एमिशन कर सकते हो, अदरवाइज जो कैप है उसके ऊपर एमिशन परमिसिबल नहीं है। अब अज्यूम करो कि जो ए लिमिटेड है वो इंडिया में बैठा है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और जो बी लिमिटेड है वो अमेरिका में बैठा है, यूएस में बैठा है।
अब जो बी लिमिटेड है उसको कार्बन का एमिशन करना है बहुत सारा, पर उसके ऊपर एक कैप लगाया गया। अब वो उसके ऊपर एमिशन कैसे करे, उसको तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, उसको एमिशन करना है, वो कैसे करे, वो क्या करेगी, वो इस ए लिमिटेड से, वो डेवलपिंग कंट्री से क्रेडिट परचेज करेगी। सर उस डेवलपिंग कंट्री के पास क्रेडिट कहां से आया, क्रेडिट उसके पास जनरेट हुआ कैसे, उसको जो कैप दिया गया था उसकी कंट्री में एमिशन उससे भी कम हो रहा है, तो उस कंट्री के पास कार्बन का क्रेडिट पड़ा रहेगा, और वो क्रेडिट कौन परचेज करना चाहेगा, यूएस कंपनी। अब आपको कई सारे डाउट्स आ रहे होंगे, सर ये कंपनी क्रेडिट परचेज करेगी, बेहतर है कि ये भी अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं बना ले, ओल्ड टेक्नोलॉजी आपने लिखा है, सर अमेरिका की बात कर रहे हो, अमेरिका तो न्यू टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकता है। बेटा डेवलप तो कर सकता है, पर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है, इसके देश में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, और वो खर्चे से बेहतर ये है कि वो क्रेडिट परचेज कर ले, उसको फायदा ही होगा कि वो किसी डेवलपिंग कंट्री से कार्बन का क्रेडिट खरीद ले। जो कॉस्ट कार्बन का क्रेडिट खरीदने पे आएगा वो रिलेटिवली कम होगा, लोअर होगा देन द कॉस्ट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, फॉर जनरेटिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू डेवलपमेंट। सो कार्बन को रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके बनाए गए, अलग अलग मापदंड बनाए गए, अलग अलग मैकेनिज्म बनाए गए। पहला तो आप खुद अपने यहां पर एक अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, आप खर्चे करो जिससे कार्बन का एमिशन हो, पुरानी टेक्नोलॉजी पे मत चलो। पर अगर आपको लगता है कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे हो या फिर बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी, तो एक काम करो आप दूसरी कंट्री से, किसी और से कार्बन खरीदो, कार्बन मत खरीदो, कार्बन के क्रेडिट खरीदो। और क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, वन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन, आप कार्बन के क्रेडिट को परचेज करो। अगर आप कार्बन के क्रेडिट को परचेज करोगे तो जो कैप हमने आपको दिया है उससे ऊपर का एमिशन भी आप कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। सो कार्बन के एमिशन को रोकने के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए। सो एक हो गया डेवलप्ड कंट्री, एक हो गया डेवलपिंग कंट्री। तो सर आप ट्रेडिंग के बारे में बता रहे थे, यस कार्बन की ट्रेडिंग कैसे होती है, कार्बन की ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो क्रेडिट कमाए गए हैं उस कंपनी के द्वारा जिसने अनयूज्ड कार्बन किया, जिसने कार्बन के एमिशन को बचाया, उसके पास जो क्रेडिट्स हैं वो उस क्रेडिट की ट्रेडिंग कर सकता है, वो ये सेल कर सकता है किसको, वो ये सेल कर सकता है किसको, उस कंपनी को या उस कंट्री को जिसको एमिशन ज्यादा करना है, जिसको उस क्रेडिट की जरूरत है। आई बात समझ में कि नहीं। सो उसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट्स, अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट की अकाउंटिंग क्या होगी, कार्बन क्रेडिट की अकाउंटिंग ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि अब हम कौन से टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, इज इट क्लियर। सो गाइस मैं फिर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं, और मैं चाहूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ताकि आप अपने कॉपी में या अपने कहीं पे अगर कुछ लिखना चाह रहे हो तो आप लिखते भी जाए। चलिए सबसे पहले आप पॉइंट वाइज कुछ लिखना शुरू करें, जो मैं बता रहा हूं उसको आप कुछ लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट पॉइंट द मेजर फोकस इज ऑन रिडक्शन, द मेजर फोकस इज ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इज ऑफ द मेजर फोकस इज ऑफ रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, कार्बन इज मोस्ट कॉमन गैस, कार्बन इज मोस्ट कॉमन गैस, देयरफॉर
मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन. फॉर एमिशन ऑफ कार्बन क्यूटो प्रोटोकॉल्स वर मेड, क्यूटो प्रोटोकॉल वर डेवलप्ड फॉर एमिशन. क्यूटो प्रोटोकॉल वर डेवलप्ड बाय, क्यूटो प्रोटोकॉल वर डेवलप्ड बाय UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, डेवलप्ड बाय UNFCCC. UNFCCC under Kyoto protocols, under Kyoto protocols developed countries were signatories, developed countries were signatories who have been given targets for reduction in the emission of carbon. Developed countries were signatories who have given the targets, who have given the targets for reduction in emission of carbon, for reduction in emission of carbon. And therefore, this generates the idea of carbon trading. And therefore, this generates the idea of carbon trading. This generates the idea of carbon trading. If they reduce, next point, if they reduce the emission, if they reduce the emission, मतलब जितना cap बनाया गया अगर आप उससे कम करते हो, if they reduce the emission, they will get the allowances. If they reduce the emission of carbon, if they reduce the emission of carbon, they will get the allowances in the form of carbon credits. They will get the allowances in the form of carbon credits. One credit is equal to 1 ton of CO2 or equivalent. एक टन ऑफ कार्बन का जो एमिशन होता है उसको बोला जाता है वन क्रेडिट, और इस क्रेडिट को हम CER के नाम से बोलेंगे. वन CER मतलब सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन. सर क्यों बोल रहे हैं हम इसको सर्टिफाइड, मैं अभी आऊंगा उस पर, वाई इट इज कॉल्ड सर्टिफाइड, मैं अभी आऊंगा. वन क्रेडिट को मतलब यहां पर क्रेडिट को बोला जाएगा CER, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन. सो दे आर गिवन द अलाउंसेस इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स, एंड वन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 ton ऑफ CO2. Now, अब क्या हुआ, क्यूटो प्रोटोकॉल में, जो ये क्यूटो प्रोटोकॉल है उसमें क्या बोला गया कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज को टारगेट दिया गया टू रिड्यूस एमिशन ऑफ कार्बन. अब इसको टारगेट को फुलफिल करने के लिए, टू फुलफिल द टारगेट तीन प्रकार के मेथोडोलॉजीज डेवलप की गई, तीन प्रकार के मैकेनिज्म बनाए गए.
तीन प्रकार के मैकेनिज्म बनाए गए। पहला जे आई, आपको बुक में सब कुछ मिल जाएगा। जे आई मीन्स ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। जे आई मतलब ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है? बिल्कुल सिंपल का केस है। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में डेवलप्ड कंट्री से रशिया और एक और दूसरी डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, दोनों डेवलप्ड कंट्रीज से यूक्रेन। अब रशिया को पता है कि वो हाई एमिशन करती है। वो क्या करती है? हाई एमिशन करती है। हाई एमिशन मतलब कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा करती है। तो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया कि आप एक काम कर सकते हो, आप ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। मतलब अगर आप हाई एमिशन करते हो तो आप एक काम करो, आप दूसरी डेवलप्ड कंट्री में जाके जहां पर लो एमिशन होता है, जहां पर लो एमिशन होता है कार्बन का, आप वहां पर जाके अपना फैक्ट्री डेवलप करो और वहां पर कार्बन का एमिशन करो। आप वहां पर जाके कार्बन का एमिशन करो, आप वहां पर जाके फैक्ट्री डेवलप करो, मतलब आप किसी डेवलप्ड कंट्री से हाथ मिला लो। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में एक एक डेवलप्ड कंट्री दूसरी डेवलप्ड कंट्री के साथ हाथ मिला देती है और वो ज्वाइंटली प्रोजेक्ट को डेवलप करती है। मतलब अगर हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, एक बड़े सारे प्रोजेक्ट पे काम करना है और हमारे यहां अगर हाई एमिशन हो रहा है तो हम, हमारे ऊपर तो एक कैप दे दिया गया कि हम उससे ऊपर एमिशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, हम दूसरी कंट्री में जाके अपना फैक्ट्री सेटअप करें और वहां पे हम कार्बन का एमिशन करें क्योंकि वहां पर वैसे भी लो एमिशन होता है। अब ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में इंडिया कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर डेवलप्ड कंट्री नहीं है इंडिया। सो याद रखिएगा, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में इंडिया नहीं है। दूसरा क्या था? दूसरा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, यहां पर क्या होता है, एक डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया, एक डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री है ऑब्वियसली क्या कर रही होगी, हाई एमिशन ऑफ कार्बन, और डेवलपिंग कंट्री है तो क्या कर रही होगी, लो एमिशन ऑफ कार्बन। और ऑब्वियसली ये क्योंकि लो एमिशन करती होगी तो इसके पास इट हैज क्रेडिट्स, इसके पास कार्बन के क्रेडिट्स पड़े होंगे क्योंकि ये कम यूज कर रही है, कम एमिशन कर रही है। सो CDM में दो चीजें बोली गई, या तो आप एक काम करिए, आप डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करिए। सर टेक्नोलॉजी हम अपने देश में क्यों ना करें, तुम अगर अपने देश में करना चाहते हो तो करो, इससे लो एमिशन होगा, बट तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी, तो एक काम करो, आप डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, आप उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, डेवलपिंग कंट्री को आगे बढ़ाओ और उसके बदले वो लोग आपको क्रेडिट देंगे। कोई समझ में आ रहा है कि नहीं? CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या बोला गया कि आप एक काम करो, आप क्रेडिट प्राप्त करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में जाओ और वहां वहां डेवलपमेंट करो, वहां टेक्नोलॉजी लगाओ, वहां उन डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी दो, जिससे वो लोग आपको क्या देंगे, जिससे वहां पर आपको परमिशन मिल जाएगी, वहां से आपको कार्बन के क्रेडिट्स मिल जाएंगे, ऐसा है। और नहीं, अगर आप वहां पर उन लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते हो तो आप सिंपली उन कंट्रीज से क्रेडिट खरीदो, पैसों के रूप में, मनी फॉर्म में, कैश के फॉर्म में क्रेडिट्स परचेज करो, वो जो कंट्रीज होंगी वो आपको क्रेडिट बेचेंगी। समझ में आई है बात कि नहीं? और थर्ड वन इज इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग।
इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग मतलब IET, सेम वही जो मैंने अभी बोला कि आप अगर डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो डेवलपिंग कंट्रीज में, तो आप क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करो, आप किसी ट्रेडिंग आप क्रेडिट्स को परचेज करो। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? सो अल्टीमेटली अब मैं अपने आप को फोकस करवाना चाह रहा हूं, आपको सबको फोकस करना चाह रहा हूं कि भाई आप टोटली अपना ध्यान लगाएं कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग पर। हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बाय डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। डेवलपिंग कंट्रीज कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग कैसे करेंगी, और ट्रेडिंग करेंगी तो उसके बाद उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगी, क्लियर? चलिए सर, ये ट्रेडिंग कैसे होगी, कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग कैसे होगी? इसके लिए जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग, शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स की ट्रेडिंग करने के लिए क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज बनाया गया ना भाई, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज बनाए गए। वैसे ही बेटा ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट भी किसी एक्सचेंज के थ्रू होगा, एक्सचेंज के थ्रू, यस एक्सचेंज के थ्रू होगा। आपको यह जान के खुशी होगी कि इंडिया में भी इस कार्बन क्रेडिट का एक्सचेंज है, इंडिया में, इन इंडिया देयर इज MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX, गोल्ड और सिल्वर और कई सारे मल्टी कमोडिटीज की जो एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग होती है वो MCX में होती है। तो MCX इज ऑथराइज्ड टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग भी MCX के जरिए होगी। इंटरनेशनली कुछ और है क्या, यस, यूरोपियन यूनियन, EU, यूरोपियन यूनियन, यस यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट एक्सचेंज, क्लाइमेट एक्सचेंज, EUCE, यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट एक्सचेंज, हमारे इंडिया में MCX। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का एक सिंगल एकमात्र ट्रेडिंग एक्सचेंज है जो कार्बन की ट्रेडिंग करवाता है। अब आप बिल्कुल यूं समझ लो कि जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वैसे ही कार्बन की ट्रेडिंग होती है। और कार्बन की ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, बिल्कुल तरीके से समझना, जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी जितने भी कंपनीज हैं, जितनी भी एंटिटीज हैं, वो एंटिटी चाहे तो कार्बन के एमिशन को रोक कर, रिड्यूस करके क्रेडिट्स कमा सकती हैं, उनको क्रेडिट्स दिए जाएंगे। अब ये क्रेडिट कौन देगा, उनको क्रेडिट देने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, UNFCCC के द्वारा एक अथॉरिटी बनाई गई। वो अथॉरिटी क्या करेगी, उस कंट्री को, उस कंट्री की कंपनी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी कि देखो तो आपने कार्बन का एमिशन रोका है, रिड्यूस किया है, इसके लिए हम आपको सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं। और क्रेडिट किस रूप में दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि एक क्रेडिट इज इक्वल टू एक टन, और उस क्रेडिट को क्या बोला जाएगा, CER, CER मतलब सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, क्रेडिट मिलेगा और क्रेडिट को सर्टिफाई किया जाएगा कि यस आपको क्रेडिट दिया गया है, आपको क्रेडिट मिला है। बेटा बोलने में बहुत आसान लग रहा है कि यस कंपनी ने कार्बन के एमिशन को रोका इसीलिए उसको क्रेडिट मिला, उसको सर्टिफिकेट मिल गया। बेटा ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इसके कई सारे खर्चे होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पर जब ये क्रेडिट मिल जाता है, हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हम MCX के द्वारा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक एकमात्र ऐसा एक्सचेंज है पूरे इंडिया में और एशिया में जो कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करवाता है, हम उस एक्सचेंज के द्वारा ये कार्बन क्रेडिट्स को बेच सकते हैं मनी में, मतलब उसके बदले हम पैसा कमा सकते हैं, रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। सो सोचो इस कार्बन क्रेडिट से, इस पूरे क्योटो प्रोटोकॉल से फायदे क्या क्या हुए, फायदे इसको क्या हुए, इसको ये फायदा हुआ कि इसने रिडक्शन किया, एमिशन किया, एमिशन में रिडक्शन किया और ये कमा रहा है, फाइनेंशियली इसको इंसेंटिव मिल रहा है। और इसको क्या फायदा हुआ, इसको ये फायदा हुआ कि इसके ऊपर जो कैप लगाया गया था कि आप ऊपर क्या एमिशन नहीं कर सकते, तो अब ये क्रेडिट परचेज करके एमिशन कर सकता है। अल्टीमेटली टोटल ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी तरीके से कार्बन के एमिशन को रोकना।
और इसी रोकने के लिए लालच दिया गया कि चलो ठीक है, अगर हम ऐसे ही बोलेंगे कि रोको रोको तो कोई नहीं रोकेगा, तो बेहतर है हम लालच दें। लालच कैसे दें कि भाई नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करो, अपने पास क्रेडिट जनरेट करो, उस क्रेडिट के बदले हम आपको सर्टिफिकेट्स देंगे और वो सर्टिफिकेट्स आप बेच सकते हो जिससे आप कमाओगे। तो इस लालच दिया गया जिससे कार्बन का एमिशन कम हो, रिड्यूस हो। आई बात समझ में? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग करनी है, किस चीज की ट्रेडिंग करनी है? कार्बन के क्रेडिट्स की, कार्बन के क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करनी है। तो इसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती होगी, इसके प्राइस कैसे डिसाइड होता होगा, किसी भी एक्सचेंज में इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता होगा? डेफिनेटली इसके लिए होता है डिमांड सप्लाई इफेक्ट। डिमांड सप्लाई इफेक्ट, डिमांड सप्लाई इफेक्ट मतलब, डिमांड सप्लाई इफेक्ट मतलब कि कितना ज्यादा एमिशन किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। अगर एमिशन ज्यादा से ज्यादा होगा तो उनको क्रेडिट्स की डिमांड ज्यादा होगी, और अगर उनके द्वारा एमिशन में रिडक्शन किया जा रहा होगा तो वो आप लोगों से कार्बन क्रेडिट परचेज ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी ही कंट्री में रिड्यूस कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो उनको कोई क्रेडिट की जरूरत ही नहीं है। तो कार्बन क्रेडिट के प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड सप्लाई इफेक्ट से, पूरा पूरा डिमांड सप्लाई इफेक्ट से, याद रखिएगा, ठीक है ना? एक तो बात ये। दूसरी बात, अब ये जो कार्बन क्रेडिट्स हैं ये मिलते कैसे, ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स मुझे कैसे मिलेंगे? मैं डेवलपिंग कंट्री में एक बड़ी कंपनी हूं, मुझे पता है कि मान लीजिए मैं एक पावर जनरेटिंग कंपनी हूं, अभी तक मैं पावर जनरेट करता था बाय कोयले से, उससे बहुत ज्यादा कार्बन एमिट होता था। अब मैंने क्या किया, मैंने विंड एनर्जी का उपयोग किया, या मैं प्रपोज कर रहा हूं कि मैं विंड एनर्जी के हिसाब से के जरिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा, जिससे मुझे लगता है कि मैं कार्बन के एमिशन को रिड्यूस कर सकता हूं, और मैं क्योंकि कार्बन के एमिशन को रिड्यूस कर सकता हूं तो मुझे कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे बाय वे ऑफ सर्टिफिकेट्स। सो ये सर्टिफिकेट्स मुझे कैसे प्राप्त होंगे, इसके लिए बड़ा सारा लंबा प्रोसेस है। बुक में पेज नंबर 19.10, बुक में पेज नंबर 19.10 में एक टॉपिक है, टॉपिक दिया हुआ है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड साइकिल। ये पूरा कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, इसका किस तरीके से साइकिल होता है, मैं एक एक करके पढ़ता जा रहा हूं। सबसे पहले डेवलप अ प्रोजेक्ट आइडिया, मैं कंपनी हूं, मुझे सबसे पहले अपना एक आइडिया डेवलप करना है, एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया डेवलप करना है कि हाँ यार मैं कैसे कार्बन के एमिशन को रोक सकता हूं, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूं। सेकेंड, प्रपोज अ न्यू बेसलाइन एंड और मॉनिटरिंग मेथोडोलॉजी, जो मेथोडोलॉजी मैं चूज कर रहा हूं, जो नया मैं टेक्नोलॉजी ला रहा हूं उसके हिसाब से मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मैं कितना कार्बन का एमिशन करूंगा, एक बेस लाइन बनाऊं कि मैं कितना कार्बन का एमिशन करूंगा और मैं पहले कितना कार्बन का एमिशन करता था, एक बेस लाइन बन गई। बेस लाइन मतलब मैं पहले कितना कार्बन का एमिशन करता था और अब मैं कितना कार्बन का एमिशन करूंगा। सेकेंड, यूज द अप्रूव्ड बेस लाइन एंड और मॉनिटरिंग मेथोडोलॉजी, मैं उस बेस लाइन के अकॉर्डिंग काम करूंगा। मैंने देख लिया कि हाँ यार कोयले से मेरा बहुत ज्यादा कार्बन का एमिट होता था, ये मेरा बेस लाइन बन गया, अब मुझे किसी भी तरीके से अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है ताकि मैं उससे नीचे ही रहूं, मैं कार्बन का एमिशन कम ही करूं। वैलिडेट द सीडीएम प्रोजेक्ट एक्टिविटी, ये जो मैंने काम पूरा किया अब मुझे इसको वैलिडेट करवाना है अथॉरिटी से। रजिस्टर द सीडीएम प्रोजेक्ट, मुझे वैलिडेट करवाने के लिए अपनी कंपनी को, अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट को मुझे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देन वो लोग मुझे सर्टिफाई करके देंगे, वो लोग मुझे सर्टिफाई करके देंगे कि यस आपने वाकई में जो बेस लाइन बनी थी, मतलब आप अगर ये टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते, कोयले से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते तो कितनी कार्बन एमिट होती थी, अब आपकी कितनी कार्बन एमिट हो रही है, तो जो डिफरेंस है वाकई में आपने कार्बन क्रेडिट कमाए हैं, तो सर्टिफाई और वेरीफाई द एमिशन, आपका सर्टिफाई हो जाएगा। और एक बार अगर सर्टिफाई हो गया उसके बाद आपको कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो ये पूरा प्रोसेस है, पेपर में इतना बड़ा प्रोसेस पूछा नहीं जाएगा, बट यस अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के लिए ये जरूरी है आपको समझना कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है और फाइनली हमें क्रेडिट कैसे मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी अकाउंटिंग पे, फाइनली अपन आते हैं इसकी अकाउंटिंग पर। सर क्या कार्बन क्रेडिट की जो अकाउंटिंग होने वाली है उसके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है?
उसके ऊपर किसी प्रकार का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? तो नहीं, कार्बन क्रेडिट पर ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही कोई इंड एएस है, ना ही कोई इंड एएस है। तो सर क्या है फिर? कार्बन क्रेडिट के ऊपर एक गाइडेंस नोट बनाया गया था इंस्टीट्यूट के द्वारा। अच्छा जी, गाइडेंस नोट बनाया गया था, आ रही बात समझ में कि नहीं? कार्बन क्रेडिट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस नोट बनाया था। वो गाइडेंस नोट क्या था? गाइडेंस नोट का वो नाम था अकाउंटिंग फॉर सेल्फ जनरेटेड सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस, CER। वही अकाउंटिंग फॉर सेल्फ जनरेटेड CER, मतलब जो कार्बन क्रेडिट हमने क्रिएट किए, डेवलप किए, उसकी अकाउंटिंग के ऊपर एक गाइडेंस नोट है। अब वो गाइडेंस नोट हमें क्या शिक्षा देता है कि जो ये CER है, ये एंटिटी के लिए क्या है? सबसे पहले क्या ये एक असेट है हमारे लिए, यस और नो? तो यस, दिस इज असेट फॉर अस। कार्बन क्रेडिट एमिशन रिडक्शन मतलब कार्बन जो है उसका एमिशन किया, उसका एमिशन सॉरी कार्बन कार्बन के एमिशन का रिडक्शन किया, उसके कारण मुझे क्रेडिट्स मिले और क्रेडिट्स का मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो वो मेरे लिए क्या है? क्योंकि मैं उसकी ट्रेडिंग कर सकता हूं, तो वो मेरे लिए असेट है। एंड वो कौन सी असेट है? वो मेरे लिए स्टॉक है। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, एस पर एएस टू। गाइडेंस नोट कहता है कि जो सर्टिफिकेट आपको मिला है कार्बन क्रेडिट्स का, वो आपके लिए इन्वेंट्री है। यू विल ट्रेड सच इन्वेंट्री, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। तो आपके लिए वो इन्वेंट्री है, दो इट इज इंटेंजिबल, एक आपको क्रेडिट दिया गया, आपको अलाउंस दिया गया, वो इंटेंजिबल है, बट उसको आप इन्वेंट्री मानोगे और AS2 के अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर करोगे। अब बताओ AS2 क्या कहता है? AS2 के हिसाब से उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? वैल्यूएशन एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मतलब आप जो इन्वेंट्री मान रहे हो कार्बन क्रेडिट को, उसको ईयर एंड में, जैसे मान लीजिए मुझे क्रेडिट मिला 50 पॉइंट्स का, अब मैंने उसको अभी तक नहीं बेचा, तो अगर मैंने उसको नहीं बेचा तो ईयर एंड में मेरे पास वो क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो मुझे उसको किस चीज पे वैल्यू करना पड़ेगा? मुझे उसको वैल्यू करना पड़ेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। सर कॉस्ट मतलब बेटा जितना वो क्रेडिट पाने के लिए जो भी आपने खर्चे किए, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवाया, जो भी आपने फीस पे किया, सो वो खर्चे जो आपने किए उन खर्चों को बोला जाएगा कॉस्ट। और एनआरवी मतलब उस क्रेडिट का एमसीएक्स में, मतलब किसी एक्सचेंज मार्केट में उसका क्या वैल्यू चल रहा है, दैट इज एनआरवी मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। आई बात समझ में? सर कॉस्ट में क्या क्या आएगा अभी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन मतलब कार्बन क्रेडिट। जब भी कोई बोले CER क्या होता है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्बन क्रेडिट्स हैं आपके पास, ठीक है ना, मतलब आपने एमिशन को रिड्यूस किया था, आपको फायदा हुआ है, आपके पास क्रेडिट्स पड़े, वो आपके पास CER पड़ा है, आपका वो इन्वेंट्री है AS2 के अकॉर्डिंग, और उस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। समझ में आई बात? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्लियर सर? ये कार्बन क्रेडिट को फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे करोगे? एट कॉस्ट। कैसे? इन्वेंट्री मानोगे आप उसको, तो CER इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू पेबल्स। सर इन्वेंट्री टू बैंक क्यों? अरे बेटा आपने
सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए, आपने कार्बन क्रेडिट जनरेट करने के लिए जो खर्चे किए, वो खर्चे अपन के बैंक में आएंगे या पेबल में आएंगे, तो आपका ये सीईआर इन्वेंट्री बन जाएगा। अब ये इन्वेंट्री आपके बैलेंस शीट में दिखेगा जब तक आप इसको बेच नहीं रहे हो, और जब आप इसको बेचोगे तो आप सेल की एंट्री बुक करोगे। आप एंट्री बुक करोगे डेटर्स टू सेल, डेटर्स टू सेल, और ये चला जाएगा आपके पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेंट्री, मतलब सीईआर। आई बात समझ में कि नहीं? और सेल भी कहां चला जाएगा आपके? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सेल टू पीएनएल, यही तो होता है ना। आप सबसे पहले क्या परचेज करते हो? आप गुड्स परचेज करते हो, तो आप ये मान लो कि आपने गुड्स परचेज किए, जब आप गुड्स को बेच देते हो तो आप गुड्स को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हो, परचेज अकाउंट को डाल देते हो, और सेल अकाउंट को भी ट्रेडिंग पीएनएल में डाल देते हो, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो सेम वही होगा, अकाउंटिंग इसकी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम AS2 फॉलो करेंगे, AS2 के अकॉर्डिंग इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट कार्बन क्रेडिट की, उसके बाद ईयर एंड पे वैल्यूएशन कैसे होगा, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। बस हमें अब एक ही पॉइंट पढ़ना है कि इसके कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, इसके कॉस्ट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आएंगी। याद रखिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, अगर आपको याद होगा, AS 26 इंटेंजिबल असेट्स, वो कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को अपन इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए? इन्वेंट्री की कॉस्ट में आनी चाहिए जो भी रजिस्ट्रेशन का खर्चा आया हमारे ऊपर, अगर कोई लेवी चार्ज किया गया, जैसे जिस अथॉरिटी से हमने कार्बन क्रेडिट लिया है, सर्टिफिकेट लिया है, उसने हमारे ऊपर एक लेवी चार्ज किया, कोई टैक्सेस वगैरह लगाए, तो वो सब खर्चे कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। इसके अलावा कॉस्ट का पार्ट कुछ भी नहीं बनने वाला है। सो गाइस, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक। नाम से थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ये कैसे पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें, बट टू बी वेरी फ्रेंक, दिस इज अ वेरी सिंपल सा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इसमें आपको ये बता सकता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत आपको पहले ये टॉपिक पढ़ने के लिए पुराना हिस्ट्री और क्यूटो प्रोटोकॉल के बारे में हल्का फुल्का जानना जरूरी है कि गैसेस कौन कौन सी होती थी, फिर ग्लोबल वार्मिंग, फिर क्यूटो प्रोटोकॉल बनाया गया तो क्या बनाया गया, किस तरीके से। अच्छा, एक और बात बता दूं, क्यूटो प्रोटोकॉल में ये जब बनाया गया क्यूटो प्रोटोकॉल, तो उसमें बोला गया कि 1990 में जितना कार्बन एमिशन हो चुका था, जितना पॉल्यूशन था 1990 में, पॉल्यूशन को मेजर करने के तरीके होते, तो 1990 में पॉल्यूशन को मेजर किया गया होगा, तो उसमें क्यूटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बोला गया कि 2008 से लेकर 2012 तक फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है। क्यूटो प्रोटोकॉल के द्वारा बोला गया 2008 से 2012 तक डेवलप्ड कंट्रीज हमें कमिट करें कि 1990 का जो पॉल्यूशन लेवल था उससे वो 5% नीचे हो जाएगा पॉल्यूशन लेवल। 2008 से लेकर 2012 तक उनको ये टारगेट फुलफिल करना था क्यूटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड टारगेट था 2013 से लेकर 2020 तक, जो अभी भी नहीं आया, 2013 से 2020 तक उस टारगेट में पूरा क्या करना है, उसमें ये पूरा करना था कि जो 1990 का जो पॉल्यूशन लेवल था उससे हमें 18% नीचे जाना है, परसेंटेज मतलब 18% हमें पॉल्यूशन कम करना है, ऐसा हमारा टारगेट है, कमिटमेंट है हमारा, इन द सेंस कि डेवलप्ड कंट्रीज का। आपको क्यूटो के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फिर जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन क्यूटो प्रोटोकॉल में रिडक्शन एमिशन को रिड्यूस करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वगैरह वगैरह। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको लिख लीजिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा कार्बन ट्रेडिंग कैसे होती है, उसके लिए एक्सचेंज वगैरह बनाया गया कार्बन की ट्रेडिंग के लिए, वन कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 और इक्विवेलेंट, ये चीज पता होना चाहिए। कार्बन का क्रेडिट वगैरह, कार्बन का ट्रेड कैसे हुआ वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 19.1 पे जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि सात सात आठ पूरा स्टेप बाय स्टेप साइकिल है कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा फाइनली गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इसका किस तरीके से होगा, मैंने आपको बता दिया कि AS2 इन्वेंट्री फॉलो होगा और कुछ कॉस्ट के ऐसे पार्ट होंगे जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएंगे। आई बात समझ में? तो जो जो कॉस्ट में आएंगे वो क्या क्या रहेंगे, वो पेज नंबर 19.18 और 19.19 पे
पे आपको मिल जाएगा, 19.18 और 19.19 पे आपको मिल जाएगा। गाइस मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं, ये जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं कार्बन क्रेडिट के ऊपर, जो मैंने अभी आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, मेरा अल्टीमेट इंटेंशन है सिर्फ और सिर्फ मई 18 अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए, मई 18 वाले, मई 18 स्टूडेंट्स जो है, ये जो लेक्चर है वो सिर्फ मई 18 स्टूडेंट्स के हिसाब से मैंने ये लेक्चर लिया है। मैंने ये लेक्चर जस्ट फॉर रिवीजन और एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर्पस से लिया है, ताकि वो बच्चे जिन्होंने अगर मान लीजिए ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उनको समझ में आ जाए कि ये टॉपिक में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ एक बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए तो हम इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये टॉपिक इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर मई 18 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, और उसके बाद के अटेम्प्ट के लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं अपनी रेगुलर बैच में कार्बन क्रेडिट को जब लूंगा तो बहुत ज्यादा खुल के इसके बारे में और नोट्स वगैरह बांट के डील करूंगा। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, कार्बन क्रेडिट का टॉपिक था ये, आप इसको पूरा कर लें, इसको अच्छे से कर लें, अगर आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, और मैं ऐसे कुछ और टॉपिक्स अभी आप प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पे जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय माता दी।